हाय फ्रेंड्स, जाल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में मैंने आपको बता चुका था मैथ के कैलकुलेशन के बारे में। आज मैं फिर एक नई क्लास के साथ आपके सामने प्रेजेंट हूँ और इस नई क्लास में मैं आपको डिवीजन करने का मेथड बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। ये डिवीजन होता कैसे, ठीक है? आज मैं बताने जा रहा हूँ, उसको देखेंगे। होने का रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट टू, दो से डिवाइड होने का रूल क्या होता है? कौन सा नंबर दो से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, परफेक्ट डिविजिबल बाय टू हो जाएगा? इसको जानना है, सीखना है। वो नंबर दो डिजिट का हो, चार डिजिट का हो, पांच का हो, छह का हो, सात का हो, कितना भी डिजिट का वो नंबर हो, वो दो से कैसे डिवाइड होगा और देख के बता देंगे वो नंबर डिवाइड हो रहा है कि नहीं दो से। तो ये इसका तरीका है। आप मान लीजिए, एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक थ्री डिजिट नंबर है आपके पास, 3, 5, 7। ये इस नंबर के यूनिट प्लेस पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो दो से डिवाइड हो जाएगा, टू से डिवाइड हो जाएगा? तो इसके यूनिट प्लेस पे एक नंबर मैं डालूंगा जो आएगा आपका 0, 2, 4, 6 और 8। इसमें से कोई एक नंबर इसके यूनिट प्लेस में आ जाने से वो पूरा नंबर जो फोर डिजिट का डेवलप होगा, सपोज करें मैंने 0 यूज किया, तो ये जो पूरा नंबर है 3570, ये आपका 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 0 के प्लेस में हम एक नंबर दूसरा नंबर रिप्लेस करें 2, तो भी ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। इसके प्लेस में मैं 4 रिप्लेस करूंगा, तो भी ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस, इस सारा नंबर के नंबर पे यूनिट प्लेस पे अगर 6 अदर देन 8 इस टाइप से अगर नंबर इनपुट हो जाए तो ये नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये मैं 4 डिजिट का बता, अगर 5 डिजिट की बात हो, सपोज करिए 3, 1, 2, 6, 7 या और भी बड़ा कोई नंबर होगा, तो उसके यूनिट प्लेस पे आपको चेक करना है 2 से डिवाइड होने का रूल के अकॉर्डिंग, कि उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 है कि नहीं। अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो ये सारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये 2 का डिवाइड होने का रूल है। ओके, फिर मैं नेक्स्ट बता रहा हूं आपको। डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 3, वह कौन सा नंबर जो 3 से पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा या पूरा पूरा भाग लग जाएगा या डिवाइड हो जाएगा? तो इसको चेक करने का जो रूल्स है वो मैं आपको सिखाता हूं। सपोज करिए कोई 3 डिजिट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 3, 1 और 2, तो इस नंबर को चेक करना है कि ये नंबर का इस नंबर का सम मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। फर्स्ट नंबर 3 प्लस सेकेंड नंबर 1, थर्ड नंबर 2 और इसका सम ऑफ दिस नंबर इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 3, सो इस नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि ये नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है? ये नंबर पूरा पूरा 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 3 के लिए आपको यह चेक करना है इच नंबर का सम मल्टीपल ऑफ 3 होता है, तो वो नंबर 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। क्लियर? एक दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज करिए 6, 1, 7, 2, 9, 5, 1, 2, फिर इस तरह का कोई नंबर आपके पास है सपोज करिए, और चेक करके बताना है कि ये सारा नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा 3 से। उसका चेक करने का तरीका मैंने क्या सिखाया था, ईच नंबर का सम कर देंगे
और चेक करेंगे कि सम ऑफ ऑल नंबर इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 3 है या नहीं। अगर है तो ये नंबर 3 से डिविजिबल होगा, अगर नहीं है तो वो नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। चेक करता हूँ, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस 7 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 9 25, 25 प्लस 5 30, 30 प्लस 1 31, 31 प्लस 6 37 एंड 37 प्लस 3 40। 40 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 3, इसलिए ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ओके, ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो आप इस तरह से कोई भी नंबर, जब भी डिवीजन मेथड हो, भाग देने का नियम हो, कहीं भाग दे रहे हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एलसीएम एलसीएम फाइंड कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये इजी मेथड है जिससे आपको 3 से डिवाइड करने का रूल पता चल जाएगा कि कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, कौन सा नंबर नहीं हो रहा है। एक एग्जाम्पल मैं और दे रहा हूँ, 5 नंबर। ये एक नंबर है 36125, ये 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 5 डिजिट नंबर। तो मैं फिर से चेक करने का नियम क्या होता है, ईच नंबर का सम करना है, सम ऑफ ईच नंबर और एड इट करके देखना है तो कितना आता है। तो 3 प्लस 6 9, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 5 17, और ये 17 3 का मल्टीपल्स नहीं है, इसलिए ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। ओके, अब मैं इसके बाद रूल्स ऑफ फोर्स, डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 4 में बता रहा हूं। डिविजिबिलिटी ऑफ 4 के लिए जो रूल है वो यह है कि कोई भी नंबर हो, कितना भी डिजिट का नंबर हो, 2 डिजिट का नंबर हो, 3 का डिजिट, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो, जितना भी डिजिट का नंबर हो उसका यूनिट और टेंस प्लेस, यूनिट और टेंस, मेरी बातों को सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा और उससे आपको मैं क्वेश्चन एग्जांपल में बताऊंगा, वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही अब मैं आगे डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 4 के बारे में आपको बता रहा हूँ। 4 से पूरा भाग लगने का नियम, कौन सा नंबर 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा वो मात्र देखने से ही पता चल जाएगा कि ये नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है। ये देखने से, वो 2 डिजिट का नंबर हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, 5 डिजिट का हो, कितना भी डिजिट का, कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, ये देख के आपको पता लग जाएगा। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, ये नियम ये है, ऐसा है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 4 से डिवाइड होने का रूल क्या है कि कोई नंबर मान लीजिए आप 3 डिजिट नंबर आप लिख दीजिए, 476 सपोज करिए, तो 476 एक नंबर आपके पास लिखा गया है। अब इसको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 4 से डिवाइड होने का रूल है कि कितना भी बड़ा नंबर हो वो नंबर आपका लास्ट का यूनिट और टेन प्लेस, लास्ट का मैं बता रहा हूँ, लार्ड्स का यूनिट और टेन प्लेस, ये दो पीछे से दो इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का यूनिट और टेन प्लेस का नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो वो कितना भी बड़ा नंबर होगा वो 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। ये मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको, देखिए लास्ट में 476 में लास्ट का नंबर है 76। अब डिवाइड होने का सिर्फ है 2 डिजिट नंबर दिया लास्ट का, यूनिट प्लेस और टेन प्लेस, इकाई और दहाई का अंक मैंने लिया है और ये 4 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा, 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये देखिए, और वन का रेस्ट इज दिस, और नाइन ये लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो गया, इसका यह मतलब हुआ ये सारा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, एक दूसरा नंबर लेते हैं, एक एग्जाम्पल था, दूसरा एग्जाम्पल मैं चेक करता हूँ, 1
1 2 3 4 6 7 सपोज करिए। अब ये नंबर है, सिक्स डिजिट का नंबर है, आप इसको चेक करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो लास्ट का मैंने बताया था, मेरा बात सुनिएगा ठीक है। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हम आप लोग हमसे जुड़ना चाहेंगे तो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया गया है, लिंक दिया गया है टेलीग्राम और व्हाट्सएप नंबर का, आप उसके माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। पिछले कल में मैंने बता चुका हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, कोई बात पूछना हो, तो आप लिंक के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं ठीक है। अब आगे मैं बता रहा हूँ इसका फोर्थ से डिपार्टमेंट का रूल। तो यूनिट और टेन प्लेस का जो नंबर है वो इस नंबर में 67 है। कितना है? 67। मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में कि कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं, या होगा या नहीं, वो देखने का तरीका क्या है, लास्ट का यूनिट और टेंथ प्लेस का नंबर को आप 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा आएगा और 4 के टेबल में 27 नहीं आता है, 6 टाइम में आएगा तो ये रेस्ट नंबर आ गया, ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हुआ। इसका यह मतलब है कि ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। देखिए मैं एक नंबर बताया जो 4 से डिवाइड हो रहा, मैंने दूसरा नंबर बताया जो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो आप लोग को दिमाग में ये आ जाना चाहिए अच्छे तरह से कि कौन सा नंबर को देखने के बाद पता चल जाएगा वो 4 से डिवाइड है। ओके ठीक है। अब मैं एक दूसरा नंबर बता रहा हूँ, 5। मैंने 2 का बताया, 3 का बताया, 4 का बताया, अब मैं 5 का बता देता हूँ। ये एक एक नंबर का अगर डिविजिबिलिटी आप टेस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अगर आप इतना दूर तक जान जाते हैं तो कंपटीशन में कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो कैलकुलेशन का लास्ट स्टेप में जवाब पड़ता है वो आपका इजी हो जाएगा। पुराने जो बच्चे कंपटीशन कैरे कर रहे हैं उनको तो पता होगा ही, लेकिन जो नए बच्चे हैं आज आज पास आउट होकर के आज 18 का हो गए हैं और आज के बाद वो प्लान कर रहे हैं कि अब मैं कंपटीशन तैयार करूंगा, तो उन सारे बच्चों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। वो बार बार देखेंगे इनको, इस वीडियो को, और ये देख करके आपको सीखने का मौका मिलेगा। और जब आप कंपटीशन में बैठेंगे, एग्जाम हॉल में जाएंगे, तो वो आसानी से वो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक एग्जाम में आपको 30 to 45 सेकंड से ज्यादा नहीं मिलता है, आपको मैनेज करना है। तो अगर ये सब रूल आपको पहले से पता होगा वो मैनेज हो जाएगा और वो समय आपका जब बचेगा आपको सक्सेस कर जाएगा ठीक है। ये देखता हूँ, दिखाता हूँ आपका डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट 5 का। तो 5 का रूल है कि कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट का 3 डिजिट का 4 5 6 7 डिजिट का, कितना भी डिजिट का नंबर हो, उसका यूनिट प्लेस खाली चेक करना है। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन 1 के लिए 2 7 6 5 9 सपोज करें, तो इसका यूनिट प्लेस चेक करेंगे। अगर इसके यूनिट प्लेस में मैं एक नंबर 0 लगा देता हूँ, तो इसका यूनिट प्लेस में अगर 0 और 5, 0 और 5 में से कोई एक नंबर होगा तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर इसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं होगा तो ये पूरा नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। मेरी बात समझ गया ध्यान से, मैंने क्या बोला? 5 से भाग खाने का नियम, या कोई नंबर 5 से पूरा पूरा विभाजित होगा कि नहीं, इसका तरीका क्या बताया मैंने कि उनका सिर्फ और सिर्फ यूनिट टेस्ट चेक करना है कि वो 5 से डिवाइड, 5 और 0 है कि नहीं उसके यूनिट टेस्ट में, अगर है तो वो डिवाइड होगा और अगर नहीं है तो फिर चेक करेंगे 2 से डिवाइड हो रहा है कि 3 से हो रहा है कि 4 से हो रहा है ठीक है। ये आपको चला गया पता। दूसरा नंबर लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल में, 6 2 1 3 5। देखिए इसके यूनिट टेस्ट पे नंबर है 5, इसका मतलब ये हो गया ये नंबर 5 से डिविजिबल होगा। अब अगर सपोज करिए ये 3 से भी हो सकता है, अगर इसका सम 3 का मल्टीपल्स होगा तो ये 3 से भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं आपको नियम बता रहा हूँ 5 से डिवाइड करना, तो आपको उसके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कि यूनिट टेस्ट में 0 और 5 होना चाहिए तो वो 5 से डिवाइड होगा ठीक है। आगे मैं बता रहा हूँ 6 से डिवाइड होने का रूल।
एक एग्जांपल दे रहा हूं, 6 से डिवाइड होने का रूल, 6 से वही नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। वो नंबर जो 2 और 3 से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल सपोज करें एक 2 डिजिट नंबर मैं लेता हूं 18, तो 2 का रूल मैंने क्या बताया था, मैंने 2 का रूल बताया है कि जिस नंबर का यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 रहेगा वो 2 से डिवाइड होगा, और 3 का रूल बताया था कि जिस डिजिट 6 से डिवाइड होने का रूल, डिविजिबिलिटी ऑफ प्लेस 6, सो 6 से वो नंबर डिवाइड होगा जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड होगा। वो एक ही नंबर जो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से डिवाइड होगा। उसका एक एग्जांपल मैं दिखा रहा हूं, सपोज करिए 18, तो 18 का यूनिट प्लेस में क्या 8 है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मैंने सिखाया था पहले क्लास में, पहला क्वेश्चन में, पहला एग्जांपल में कि 2 से वो नंबर डिवाइड होगा जिसके यूनिट प्लेस में 0 2 4 6 और 8 होगा, 0 2 4 6 और 8 होगा वो 2 से डिवाइड होगा, तो इसके यूनिट प्लेस में 8 है ये 2 से डिवाइड हो रहा है, और सम ऑफ ईच नंबर इज इक्वल टू 9, दैट मींस 9 3 का मल्टीपल था तो ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो सेंस क्या हो गया, मैंने क्या बताया अभी कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होगा वही नंबर 6 से भी डिवाइड होगा, इसका मतलब ये 6 से डिवाइड होगा और इसका आंसर आ गया आपका 3। एक दूसरा एग्जांपल मैं बता रहा हूं, सपोज करिए 1 6 और 7 मैंने यूज किया, तो ये 3 डिजिट नंबर मैंने लिया, इस 3 डिजिट नंबर ये 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा मैं वो चेक करके दिखाता हूं। ये देखिए यूनिट प्लेस पे नंबर है 7 और मैंने बताया था 0 2 4 6 8 होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ये तो 2 से डिवाइड हो ही नहीं रहा तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अगर इसका यूनिट प्लेस पे 7 के रिप्लेसमेंट 2 रिप्लेस कर दिया जाए 162 हो जाएगा तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 2, तो 2 से डिवाइड होगा ये, एंड सम ऑफ दिस डिजिट 1 प्लस 6 7 एंड 7 प्लस 2 9, तो 3 का मल्टीपल आ रहा है ये 162, ये 6 से डिवाइड होगा और इसका रिजल्ट हो जाएगा 27। आज का क्लास यहां तक ही बच्चों, और अगर आप मेरा पुराना वीडियो देखना चाहेंगे तो आई बटन में लिंक आ रहा होगा, आप उसको वहां से देख सकते हैं, ठीक है। आज के क्लास के लिए धन्यवाद।